ये तो आप सबको पता है कि आलू शाकाहारी होता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आलू से बना चिप्स मांसाहारी होता है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आलू से बना चिप्स मांसाहारी होता है, और आपको ये पता भी नहीं कि किस तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं। जंक फूड और फास्ट फूड तो हमारे जीवन का एक पार्ट ही बन गया आज के टाइम में। आज की जनरेशन तो इन चीजों के बिना एक दिन भी नहीं रहती, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन बंद पैकेट्स वाली चीजों को खाने से आपकी सेहत को ही नुकसान होता है। और कितना नुकसान होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इनके कारण मिल सकता है आपको जिंदगी भर की बीमारियों का उपहार। आज की वीडियो में मैं आपको बंद पैकेट वाली चीजों का एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप एक बार जान गए तो दोबारा इन्हें खाने की गलती कभी नहीं करेंगे। लेस चिप्स तो हर किसी का फेवरेट होता है, हर इंसान इसे बड़े चाव से खाता है, और एक बार जब इसे खाने लगता है तो लत लग जाती है ना ऐसी कि बस ये खत्म ही नहीं होती फिर। लेकिन क्या आपको पता है कि लेस चिप्स को बनाने के लिए किस चीज को यूज किया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। उसे बनाने के लिए MSG का यूज किया जाता है। MSG जो बनता है सुअर की चर्बी से। सुअर की चर्बी से बनने वाला ये पदार्थ MSG से हटकर अब E631 हो गया है। कुछ वक्त पहले लोगों का विरोध करने पर MSG को यूज करना बंद कर दिया गया था, और नो MSG वाले पैकेट भी मार्केट में जारी किए गए थे, लेकिन कुछ कंपनीज ने E631 का सहारा लेकर लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया। कई देशों में ऐसी पैकिंग वाले पदार्थों को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में इसे लोग बड़े स्वाद से खाते रहते हैं। भारत में अगर आप लेस चिप्स का पैकेट उठाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें E631 नाम का इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जो कि सुअर की चर्बी का बना होता है। चिप्स में तो इसे डालते ही हैं, साथ ही नूडल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पहले तो सुअर की चर्बी का इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए भी किया जाता था, लेकिन बाद में खाने की चीजों का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा, और कंपनीज ने इसे बुलाने के लिए कोड वर्ड रखा ताकि आम उपभोक्ताओं को इस बात की भनक भी ना लगे, क्योंकि उनको डर था कि MSG की तरह E631 भी यहाँ बैन ना हो जाए और उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री में गिरावट ना आ जाए। प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज आज भी इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंग गम, चॉकलेट्स, मिठाई, बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए करती है। यहाँ तक कि कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये चंद लोग किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें धोखे से सुअर की चर्बी खिलाते जा रहे हैं। अगर आप भी सुअर की चर्बी से बनी किसी चीज को खाना नहीं चाहते तो E631 पर गौर जरूर कीजिएगा। बाजार में दिखने वाले सुंदर सुंदर पैकेट के पीछे इनके इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़ें और जान लीजिए कहीं इनमें E631 तो नहीं। अकॉर्डिंग टू मी जितना हो सके अपने घर में चिप्स बनाएं और उन्हें बड़े शौक से खाएं, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें।